Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. Guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि राहु अगर आपके बर्थ चार्ट के 9th हाउस में आता है तो उसका 4th हाउस के साथ 6th और 8th एंगल कैसे काम करता है. और 9th हाउस को जैसे हम जानते हैं कि 9th हाउस का संबंध है हायर नॉलेज से, हायर बिलीफ से, ज्ञान से, ज्ञान की चीज़ों से, गॉड एंड गॉडेस से. और जो भी आपका धार्मिक बिलीफ होता है अपने धर्म के प्रति, अपने गॉड के प्रति, अपने गुरु के प्रति, वो सब 9th हाउस है. 9th हाउस यानी ज्ञान का हाउस, विजडम का हाउस. और 4th हाउस जो है, 4th हाउस यानी आपका सुख, आपका घर, आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर और जो भी घर का जो सामान होता है, घर की जो चीज़ें होती हैं, उन सब का संबंध 4th हाउस से है. तो अगर राहु अगर 9th हाउस में आता है तो 4th हाउस की चीज़ें हमें क्यों नहीं करनी चाहिए. उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि 9th हाउस में अगर राहु होगा तो आपका जो सारा फोकस है वो 9th हाउस की तरफ चला जाएगा. यानी 9th हाउस जो है वो आपका फ्यूचर है और आपका जो बर्थ हुआ है वो 9th हाउस की चीज़ों को अचीव करने के लिए हुआ है. अब यहाँ पर राहु दिखाता है कि आप 9th हाउस से संबंधित चीज़ों के लिए कि कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, कि 9th हाउस की चीज़ों की नीड आपको कितनी ज़्यादा है. और इनिशियल लाइफ में आप 3rd हाउस की चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे जहाँ पर केतु है. 3rd हाउस बहुत ही प्रैक्टिकल हाउस है, जहाँ पर आप लोगों से मीटिंग करते हो, बात करते हो और डेली की जो डीलिंग चलती है, जो आप ऑफिस में जाके काम करते हो, आप दोस्त यारों के साथ जो आप अपना टाइम बिताते हैं अपनी लाइफ में, वो सब आपका 3rd हाउस है. 3rd हाउस यानी जनरल कम्युनिकेशन, जहाँ पर आप बहुत ही प्रैक्टिकल वे में लोगों से बात करते हैं. और 9th हाउस का बिल्कुल अपोजिट हाउस, जहाँ पर आप किसी चीज़ के ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं, जैसे भगवान के ऊपर बिलीव करना, गुरु के ऊपर बिलीव करना, वो आपका 9th हाउस है. तो यहाँ पर 9th हाउस की चीज़ों के थ्रू आपको राहु प्रिविलेज देता है. प्रिविलेज देने का मतलब है कि जो भी आपकी अर्निंग है, जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी पहचान है, अब वो आपको 9th हाउस के थ्रू मिलेगी. तो 3rd हाउस की चीज़ों को करने से क्या फ़ायदा. और 4th हाउस की अगर चीज़ें आप करते हैं, 4th हाउस की अगर चीज़ें करते हैं तो 4th हाउस क्या है, आपका घर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपका सुख है. तो अगर आप ऑल टाइम घर की चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान देंगे, अपनी घर की चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, तो आप ज्ञान की तरफ कब जाएंगे. क्योंकि अगर आपको ज्ञान को पाना है, अगर आपको ज्ञान को समझना है, अगर आपको हायर कोर्सेज को करना है, तो आपको घर का सुख त्यागना पड़ेगा. और जितने भी हमारे जो पुराने जो सेजेस रहे हैं, ज्ञानी पुरुष रहे हैं, उनकी आप लाइफ देखो, उनकी दिनचर्या देखो, उनकी लाइफ में घर कहाँ था. ना घर था, ना घर का सुख था, ना वाइफ थी, ना पेरेंट्स थे. उन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया था ज्ञान के लिए. तो यहाँ पर राहु अगर 9th हाउस में आता है तो 4th हाउस की चीज़ें अगर आप करते हो तो आपका जो 9th हाउस का गोल है वो बिगड़ जाता है. और अगर आप 9th हाउस की चीज़ों को करते हो तो 4th हाउस के साथ जो आपका रिलेशन है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके पेरेंट्स को. तो आपके पेरेंट्स को लगेगा कि भाई जो हमारा ये बच्चा है ये तो बिगड़ गया या बिगड़ गई, क्योंकि इसका तो ज्ञान की तरफ सारा इंटरेस्ट चला गया है. अब तो ये पता नहीं कहाँ पर साधु बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा, क्या बन जाएगा और क्या होगा इनका आगे चल के. तो पेरेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है. तो 9th हाउस के चक्कर में हो सकता है कि पेरेंट्स के साथ आपका झगड़ा भी हो जाए, क्योंकि 9th हाउस 4th हाउस से 6th हाउस है. 9th हाउस यानी पेरेंट्स का एनिमी हाउस. तो यहाँ पर आपको चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा. अगर आप ज़्यादा ज्ञान की तरफ जा रहे हो तो 4th हाउस बिगड़ रहा है, 4th हाउस की तरफ जा रहे हो तो ज्ञान बिगड़ रहा है. और यहाँ पर आपका जो गोल है वो 9th हाउस ही है, क्योंकि 9th हाउस में राहु प्लेस्ड है. अगर 9th हाउस की चीज़ों को नहीं करेंगे तो आपको लगेगा मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, कोई चार्म ही नहीं है, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा. ये सारी चीज़ें आप फील कर सकते हैं. तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना है, क्योंकि देखो पेरेंट्स को छोड़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है. अगर आप पेरेंट्स को छोड़ रहे हैं तो आपको जन्म तो उन लोगों ने दिया है. ज्ञान में समझ रहा हूँ, ज्ञान एक बड़ी चीज़ है और बिना ज्ञान के इंसान अंधा होता है, और आपका जन्म भी ज्ञान के लिए हुआ है. लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, 4th हाउस की चीज़ों को भी और 9th हाउस की चीज़ों को भी. ये मैंने इसलिए बताया है कि 9th हाउस की तरफ अगर आप बढ़ते जा रहे हैं तो आपका क्या बिगड़ रहा है,
और अगर नाइन्थ हाउस में अगर राहु है, फोर्थ हाउस की चीजों कर रहे हैं, तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि दोनों चीजों को आपको कैसे बैलेंस करना है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि अगर राहु आपके नाइन्थ हाउस में आता है तो फोर्थ हाउस के साथ उसका सिक्स्थ और एट्थ एंगल कैसे काम करता है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में, अपने नाइन्थ हाउस के बारे में या अपने बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।